जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन आर्मी ज्ञान में। 30 डेज सीरीज़ को जारी रखते हुए दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। जी हाँ, हमारे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको आज बताएंगे जी, उनका क्या रोल है हमारे संविधान में, हमारे देश में वो क्या कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे उनका कार्यकाल होता है, कितना उनका, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताई जाएगी दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक वीडियो के साथ, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा इसमें से दोस्तों। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें दोस्तों। चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। सो फर्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, जी हाँ दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से, अमेरिका से ये पोस्ट ली गई है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने बहुत सारे देशों से उधार ली हैं, तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उधार का झोला भी कहा जाता है। सो ये पोस्ट हमने ली है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से। वाइस प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं ये भी, डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट, ठीक है दोस्तों, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इलेक्ट होते हैं। ये पार्ट नहीं ले सकते इलेक्ट, एक्चुअली जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स डू नॉट टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट शुरू करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, अब इनके इलेक्टोरल कॉलेज में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में बोथ हाउसेस के, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों के मेंबर्स भाग लेते हैं दोस्तों। अब वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या ज़रूरी है, सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है, कम से कम 35 साल की उम्र, ठीक है दोस्तों। उसके बाद राज्यसभा मेंबर होना ज़रूरी है दोस्तों, अगर किसी भी लेजिस्लेचर से, इफ एनी लेजिस्लेचर से मेंबर वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर एनी लेजिस्लेचर से वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट होते हैं तो दोस्तों याद रखिए उसको अपनी सीट वेकेंट करनी पड़ती है, वेकेट सीट शॉर्ट में लिखूंगा दोस्तों, पर एक्सप्लेन ज़रूर करूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तो अब हम बताएंगे आपको कि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ये बने थे 1952 से लेके 1962 तक।
अभी रीसेंट कौन से हैं? रीसेंट वेंग कैया नायडू, ये 2017 में बने थे, 11/8/17 से बने थे टिल डेट, अभी तक यही हैं। सो एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हैव नो सैलरी, इनको सैलरी मिलती है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, ठीक है दोस्तों, इनको वैसे सैलरी नहीं मिलती, इनको सैलरी मिलती है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। सो इनका भी टर्म सेम वही 5 साल का ही होता है, 5 ईयर्स टर्म होती है इनकी दोस्तों। ये प्रेसिडेंट का रिप्लेस कर सकते हैं जब वह वाइस प्रेसिडेंट रिप्लेस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, जब वह अपने ऑफिस में नहीं है। तो आज का वीडियो दोस्तों इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये चीज़ इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। हमारे चैनल को नए जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।